आप सभी की लंबी उम्र हो, बहुत बहुत शुभ हो जीवन। जो भी हमने आरती की है माँ चंद्र घंटा की, महारानी का वो रूप है जो दसों दिशाओं में व्याप्त है, दसों दिशाओं में रहकर हम सब प्राणियों की रक्षा करता है। यह देवी निर्मलों की सहायक है, यह देवी कमजोर के साथ खड़ी है। ये देवी को जब भी बुलाएगा कोई भी निर्धन, कोई भी कमजोर, ये देवी दौड़ी आएगी। और महारानी का ये रूप दसों दिशाओं के अंदर व्याप्त रहता है, दस भुजाओं की मालकिन है महारानी। और ये महारानी हमेशा युद्ध के लिए आतुर रहती है। इस महारानी को आप रोक नहीं सकते हैं, अगर कोई ललकारेगा तो महारानी सामने आएंगी आएंगी। तो ये रूप हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, किसी भी हाल के अंदर पीछे नहीं हटता। कोई भी उदंडी, कोई भी पापी आएगा तो महारानी का ये रूप उसे सजा देने के लिए आएगा ही आएगा। आपके मन के अंदर जो भी भाव चल रहे हैं, अच्छे बुरे, ये महारानी के इसी रूप की कृपा की वजह से आ रहे हैं। यही रूप आपके मन के अंदर भावों को पैदा करता है और यही सब कुछ आपसे करवाता है। तो इसी महारानी के तीसरे रूप माँ चंद्र घंटा की जय हो। महारानी के इस रूप की पूजा उनको करनी चाहिए जो डिप्रेशन में रहते हैं, जिनका दिमाग कमजोर है। महारानी के इस रूप की पूजा उनको करनी चाहिए जो नर्वस सिस्टम से पीड़ित हैं। महारानी के इस रूप को पूजा उनको करनी चाहिए जिनके कानों के अंदर आवाज आती है। महारानी के इस रूप की पूजा उनको करनी चाहिए जो हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं, जिनको हमेशा लगता है कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ वो गलत कर रहा है, मेरे साथ ये गलत कर रहा है। महारानी के इस रूप को इन सभी को पूजना चाहिए। इन सब के भ्रम दूर होंगे, इन सब की टेंशन्स दूर होगी, इन सब के डिप्रेशन्स दूर होंगे। महारानी का ये रूप इतना 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 अच्छा होता है क्योंकि ये दसों दिशाओं से भर देने वाली है, क्योंकि दस भुजा वाली है तो दसों दिशाओं से भर देती है और हर दिशा के अंदर इसी महारानी का वास है। तो आपके मन के अंदर जो भी मनोस्थिति चल रही है, आपकी मनोस्थिति आपकी अच्छी हो और ये महारानी हम सब के ऊपर कृपा करें। तो जयकारा हे मिठिया मुरादा पूरी करण वाजदा, जयकारा हे नवरात्र दी तीसरी रानी दा, जयकारा हे मेरी माँ चंद्र घंटा दा। आप सबकी लंबी उम्र हो, आप बहुत 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 आप मैं और ये स्थान बहुत खुश नसीब है कि हम सब यहाँ पर महारानी के रूपों की पूजा कर रहे हैं। जय माता दी आपको। जगदम्बे चंद्रघंटा रूपाम्बे, तीसरा रूप मा तेरा, तीजा रूप मा तेरा, अंधियारे दूर करे। जय जय मां जगदम्बे, चंद्र घंटा अम्बे, तीसरा रूप मा
तेरी सवारी। युद्ध से ना डरती हो मैया, युद्ध से ना डरती। घंटा जब जब बजता, हर शत्रु तब डरता। दानव ना बच पाए, कोई दानव ना बच पाए। जगदम्बे प्रेम है तो भगवती आपके साथ है, आपके अंग संग है, आपके साथ है। और अगर आप में प्रेम नहीं है फिर 100 किलो सोना चढ़ा दो, प्रॉपर्टियां उसके नाम करा दो, कुछ भी कर लो, उस वो प्रसन्न नहीं होने वाली, क्योंकि आपका 100 किलो सोना, आपकी प्रॉपर्टी, वो भी तो उसी का है, उसी ने तो दिया हुआ है। तो उसी का दिया, उसी का लिया, उसे क्या हम सिखाएंगे, क्या हम पढ़ाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो केवल हम ये कर सकते हैं कि अच्छे कार्य करें हम सारे।